स्वच्छता अभियान को लेकर पूरे भारतवर्ष में मुहिम चल रही है, लेकिन धरातल पर असलियत कुछ और ही नजर आ रही है। बीबीएन में इसका उल्टा असर दिखाई दे रहा है, जहां मुहिम फोटो खिंचवाने तक ही सीमित रहती है। पूरे बीबीएन में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। नगर परिषद बद्दी के अंतर्गत आने वाले कांठा के इंडस्ट्री एरिया में जगह जगह कूड़े के ढेर व रोड पर गड्ढों में पानी भरा हुआ है, जिससे कि लोगों में बीमारी फैलने का खतरा मंडरा रहा है। इसी रोड पर स्थित रिद्धि पैकेजिंग के एमडी मुकेश जैन से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सभी इंडस्ट्री के लोग अपनी इंडस्ट्री को अंदर से तो बहुत साफ सुथरा रख रहे हैं, लेकिन फिर भी बाहरी सुंदरता को हासिल करने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि नगर परिषद के सफाई कर्मचारी सुनिश्चित ढंग से अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। इंडस्ट्री एरिया के साथ में रह रहे लोग सुबह शाम कूड़ा करकट इधर उधर फेंक जाते हैं, जिससे कि ये गंदगी बढ़ती ही जा रही है। सर, आपकी फैक्ट्री के आगे इतना हालत खराब है, सफाई को लेकर इतना गंदा है कि लोग आते भी यहाँ कतरा रहे हैं। सर, इसके बारे में आपका क्या, आपने एक बार सफाई की थी एक साल पहले? मैंने एक बार सफाई नहीं की, हम हर 5-6 महीने के अंदर सफाई अभियान चला रहे थे। पिछली बार भी हमने जब किया था तो माननीय MLA पम्मी जी और प्रशासनिक सारे अधिकारी आए थे, हमने साफ किया। बहुत दुख की बात है कि केवल हमारी फैक्ट्री के बाहर नहीं, अगर हम देखें तो पूरे बद्दी के अंदर जिस तरह से कचरा पड़ा हुआ है और जिस तरह से प्रदूषण का वायलेशन हो रहा है, ये एक कई स्वच्छ वातावरण हम यहाँ के न हमें मिल पा रहा है, न हम हमारे काम करने वाले बंदों को दे पा रहे हैं। अगर आप बाहर फैक्ट्री के बाहर अगर हम देखें, फैक्ट्री हमारी बहुत सुंदर साफ सुथरा हम रखते हैं, हम कोशिश करते हैं कि बाहर की तरफ भी हम साफ सुथरा लगे, लेकिन आसपास के जो क्षेत्र हैं जहाँ पर लोग निवास करते हैं, वो अपना सारा कचरा रोज़ सुबह और शाम को डालते हैं। पॉलीथीन का जानवर घूमते रहते हैं, उनको नुकसान हो रहा है, और सबसे बड़ा वजह हमारा जो वातावरण ख़राब हो रहा है, ये एक बहुत चिंता का विषय है। और मेरा सभी से निवेदन है कि इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें कि हम एक स्वच्छ वातावरण बद्दी के निवासियों को दे सकें। एनकाउंटर बद्दी से सचिन बंसल की रिपोर्ट।